शंभो शिव हरे हरे शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हरि ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है? आप गाएंगे इस भजन को प्रॉपर। कर्पूर कारम करुणा बन संसार भुजगेंद्र सदा हरिद्वार भावम सहतम नमामि हर हर शिव महादेवा शंभो हरे हरे शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो 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 शिव हरे हरे शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो 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 शिव आ गई। अच्छा एक बात बता, कौन नाचेगा भोले की बारात में? देखो आज भोले बाबा बने हैं दूल्हा और हम सब बाराती। अगर आपको लगता है कि खड़े होने से दिक्कत होगी तो बैठे बैठे हाजिरी लगाना, अगर मन कर रहा है तो खड़े हो जाना, अगर जगह नहीं है दिक्कत है तो बैठे बैठे हाजिरी लगाना। पहले बता दो कौन कौन शामिल होगा भोले बाबा की बारात में। देखो हम तो शामिल पहले से आएंगे, ये जब आप बताओगे। आज भोलेनाथ दूल्हा है और हम सब बराती है, और किसी के बारात में नाचो या मत नाचो लेकिन भोले की बारात में जरा सा जरूर नाचना। आइए हम सब मिलके नाच के मनाएंगे और भोले बाबा को मनाएंगे। बोल भोले बाबा की। शुरू करते हैं। भोले दी बरात चली, भोले दी बरात चली, भोले दी बरात चली गज बज के, भोले दी बरात चली गज बज के, अरे भोले दी बरात चली गज बज के, भोले दी बरात चली गज बज के, सारे आने भंग पीती रज रज के, भोले दी बरात चली गज बज के, सारे आने भंग पीती रज रज के, भोले दी बरात चली, भोले दी बरात चली, हाँ भोले दी बरात चली गज धज के, भोले दी बरात चली गज बज के, सारे आने भंग पीती रज रज के, सारे आने सारे आने सारे आने भगत प्यारे आने, सारे आने सारे आने सारे आने भगत प्यारे आने, भोले दी बरात चली गज बज के, भोले दी बरात चली गज बज के, सारे आने भंग पीती रज रज के, भोले दी बरात चली गज बज के, सारे आने भंग पीती रज रज के, बोलो भोले बाबा की। शादी में कौन कौन आया?
ब्रह्मा विष्णु खुशी मनांदे ब्रह्मा विष्णु खुशी मनांदे देवी देव जयकारे लांदे देवी देव जयकारे लांदे ब्रह्मा विष्णु खुशी मनांदे ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे देवी देव जयकारे लांदे देवी देव जयकारे लांदे और देखने नुआई सारी भज भज के देखने नुआई सारी भज भज के अरे देखने नुआई सारी भज भज के देखने नुआई सारी भज भज के सारे आने भंग विधि रज रज के बोले जी बारात चली गज भज के सारे आने भंग विधि रज रज के सारे आने सारे आने सारे आने भगत प्यारे आने सारे आने सारे आने सारे आने भगत घोड़ दी बरात चली गज बज के घोड़ दी बरात चली गज बज के सारे आने भंग विधि रज रज के घोड़ दी बरात चली गज बज के सारे आने भंग विधि रज रज के भोला बखरा रूप बनाया भोला नकरा रूप बनाया गौर मैया नाल ब्याह रचाया गौर मैया नाल ब्याह रचाया भोला बखरा रूप बनाया गौर मैया नाल ब्याह रचाया गौर मैया नाल ब्याह रचाया और बन के बराती आए सज धज के बन के बराती आए सज धज के कौन कौन आएगा सज धज के अरे बन के बराती आए सज धज के बन के बराती आए सज धज के अरे बन के बराती आए सज धज के बन के बराती आए सज धज के सारे आने भंग विधि रज रज के घोड़ दी बरात चली गज बज के सारे आने भंग विधि रज रज के सारे आने सारे आने सारे आने भगत प्यारे आने सारे आने सारे आने सारे आने भगत प्यारे बरात चली गज बज के बोल दी बरात चली गज बज के सारे आने भंग विधि रज रज के बोल दी बरात चली गज बज के सारे आने भंग विधि रज रज के शादी अब बारी आई पार्वती मैया की एक बार प्रेम से बोलो पार्वती मैया की जब पार्वती मैया ने देखा यहाँ तो भांग उठाई जा रही है मुझसे तो बोली क्या बोले बाबा से क्या बोली ओ तूने अखियों से पिलाई मस्ती हमको यूं चढ़ाई तूने अखियों से पिलाई मस्ती हमको यूं चढ़ा तूने अखियों से पिलाई मस्ती और मैं नाचूं लेके तेरा नाम मैं नाचूं लेके तेरा नाम जरा सी और पिला दे भांग जरा सी और
आइए थोड़ी सी और पिला दे, भक्तों की विशेष फरमाइश है। आइए अब हम उस भजन को रखने जा रहे हैं, दिशा माइनस शिवरंजनी। आइए, लेकिन अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये ना तो कोई भजन है, ना ही कोई गजल है, ना ही कोई गीत है, ना ही कोई भेंट है। ये हमारे ब्रज की सच्चाई है, हमारे वृंदावन की हकीकत है। एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे और शब्द जब आपके समझ में आ जाएं, उसके बाद आप मीठे मीठे तालियों का आशीर्वाद देंगे। पहले शब्द सुनिएगा। इसको अपने दिमाग से तो सुनना ही सुनना, लेकिन अपने दिल से भी सुनना। तो जय जय श्री पता देता है। बात समझ में आई तो ताली क्यों नहीं बजाई? हमें कैसे पता चलेगा कि आपके समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ ना आए तो हमारा गाना ही बेकार है। इसलिए समझ आएगा कि आपके सर के ऊपर से जा रहा है। समझ आए तो ताली बजाना। आइए सुनिएगा। के नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, के नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, के वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। और उस पानी को पीने के बाद हम फिर भी अपने ठाकुर से एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ी सी थोड़ा और बेस, थोड़ी सी और पिला दे, 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 और पिला दे, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे। एक शब्द सुनो। कि मैंने माना मैं जनाब पीता हूँ, बखुदा बेसुमार पीता हूँ, लेकिन क्या हरे नाम की मस्ती का प्याला। कि मैंने माना मैं जनाब पीता हूँ, बखुदा बेसुमार पीता हूँ, सुबह को पीता हूँ और शाम को पीता हूँ, और जब भी पीता हूँ सरेआम पीता हूँ। कि मैंने माना मैं जनाब पीता हूँ, खुदा बेसुमार पीता हूँ। अरे भैया, लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ, मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ, मैं तो भक्ति का जाम पीता हूँ।
जाम पीने से क्या फायदा, पीना के भर का नशा वो उतर जाएगी, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा वो उतर जाएगी। अरे प्यारे मेरी मोहन की नजरों से पी कर तो दे, मेरी मोहन की नजरों से पी कर तो दे, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अपनी सारी जिंदगी गुजारने के बाद हम एक ही बात कहेंगे, वो क्या, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे। यहाँ ऐसे कितने भक्त हैं जिनका नियम है हर महीने खाटू या वृंदावन जाना, ऐसे भक्त जो हर महीने जाते हैं? अच्छा एक ही है, बस एक ही जाते हर महीने जाते हो पक्का? तब हाथ नीचे कर लो, ये बात आप जैसे भक्त के लिए। एक भक्त जिसका नियम था हर महीने खाटू जाना, कहां पे? खाटू, खाटू जाना। लेकिन एक बार ऐसी ग्यारस आई कि उसके पास कोई जरूरी काम याद आ गया, बोला इस बार कैंसिल कर देता हूं, अगली बार चला जाऊंगा। जब उसने ये योजना बनाई और बैठकर फोन चलाने लगा, तो जैसे ही सामने बाबा की तस्वीर आई तो उसके मन के भाव क्या हुए? सुनो, बोला बाबा मैं तो नहीं आ पाया, ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, ओ ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, बिग डोर खींचा आता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला होता है। डेली शाम के दर्शन फोन में किस किस को होते हैं? सबको होते हैं ना, स्टेटस सब लगाते हैं, और उनको देखकर उनकी याद किस किस को आती है ये भी बता दो। आती है तो गाओ, ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, ए हो,
दुनिया किसी प्रेमी को ताने देती है कि कैसा तेरा प्रेम है जो बाबा बाबा करता रहता है, ना तुझे कभी दर्श दिए, ना कभी देखा, ना कभी बात हुई, ये कैसा प्रेम है और फिर भी बाबा बाबा करता है। वो रोता हुआ बाबा के पास गया, बोला बाबा ये दुनिया मुझे ताने दे रही है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तुम किसी और से मिलने के बहाने आजा, तुम किसी और से मिलने के बहाने आजा। बाबा एक बार आजा, ताली बजा के प्यार झूठा सही, वो गिरती है अनजानों में जाकर, जो पीते हैं मैं खानों में जाकर, वो गिरते हैं अनजानों में जाकर, लेकिन प्यारे जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला, जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं गोविंद की गोने में जाकर, करता हो जाने अनजाने में। इस कीर्तन में आते आते पता नहीं कितने पाप किए हमको नहीं पता, लेकिन अनजाने में हर किसी से होते हैं, लेकिन इस मंत्र के माध्यम से हम सब मिलके अपने पापों को नष्ट करेंगे। पहले उठाओ दोनों हाथ सीधे सीधे, जो
करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे समझ सकते हैं जो सच्चे श्याम प्रेमी हैं। बाकी तो ये कहेंगे देखो कैसे नच रहे हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है। बाकी दुनिया कहेगी देखो पागल नच रहे हैं, लेकिन आपको जवाब देना है वो क्या कि दुनिया हमें पागल कहे लेकिन हम तो श्याम के बच्चे हैं। दुनिया हमें पागल कहे लेकिन हम तो श्याम के बच्चे हैं। और अगर पागल कहलाने से श्याम मिल जाए तो प्यारे हम पागल ही अच्छे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा हे वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, ओ खाटू वाले की जय लीले वाले की जय खाटू वाले की जय। देखो समय को देखते हुए चलना है, कलाकार बहुत ज्यादा हैं आज बाबा के दरबार में। आइए एक केवल फरमाइश और हाथों में लेके निशान चले रहे, बहुत देर से उस भजन की फरमाइश हमारे भैया की फरमाइश है। आइए हाथों में लेके निशान चले रहे और हम तो खाटू वाले के। अच्छा ये बताओ खाटू में निशान किस किसने चढ़ाया है? अरे वाह, अगर आपने चढ़ाया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है इसकी महिमा क्या है। और जिसने नहीं चढ़ाया अगर उसने आज यहाँ चढ़ा दिया भाव से तो उसको इसकी महिमा पता चल जाएगी। बोले खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की। देखो अगर आपके अंदर भाव है तो आज आप बिहार में यही बैठे बैठे अगर बाबा को निशान चढ़ाओगे तो बाबा आपका स्वीकार करेगा। अगर आपके अंदर भाव नहीं है आप यहां से पैदल चले जाना खाटू, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल है वो है भावना का। क्योंकि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में जरा सा भाव है तो भवसे बेड़ा। आइए हम सब मिलके बाबा को निशान चढ़ाएंगे, हमारी ओर से एक भजन और। जो भक्त अगर पीछे खड़े हैं ना, अगर जगह मिल रही है तो बैठ जाओ ठीक है, और जो भी करना भाव से करना, थोड़ी सी जगह कर दो। हाँ और निशान कैसे चढ़ाना है, जो माताएं बहने हैं
वो अपनी चुन्नी ले लें, दुपट्टा ले लें, साड़ी का पल्लू ले लें। लेकिन दीदी भाइयों के पास तो साड़ी का पल्लू नहीं, वो हैंकी ले लें। अपना अपना निशान बाबा को बनाएं और दिखाएं, चाहे स्टॉल ले लें, चुन्नी ले लें, कुछ भी ले लें, भाव से बाबा को निशान चढ़ाना है। सब लोग अपने अपने हाथों में निशान ले लें। बोलो खाटू नरेश की जय। श्री श्याम, मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जो भी आरजी श्याम के ग्रुप के जो भी सदस्य, कृपया ऊपर चल जाए। बाबा के प्रेमियों को बाबा का दर्शन नहीं हो पा रहा है, अन्यथा वो जा रहे हैं। कृपया आप सभी ऊपर चल जाए, निवेदन है। सिर्फ दो आदमी यहाँ पे खड़े रहे जो व्यवस्था को देखे, बाकी सब आप लोग ऊपर चल जाए। मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ। आप सब बाबा के जो भी दर्शनार्थी आए उनको दर्शन नहीं हो पा रहा है, कृपया बैठ जाए सब। एक बार प्रेम से कह दो खाटू नरेश की। अब आप ये सोचना कि आज आप अभी इस टाइम रिंगस के मोड़ पे खड़े हो और रिंगस से खाटू तक जा रहे हो पैदल पैदल, क्योंकि सारा खेल है भावना का। बोलो खाटू नरेश की। वैसे तो निशान हमेशा खड़े होके चढ़ाया जाता है। अगर आप कभी कोई परिक्रमा लगाते हो गोवर्धन महाराज की या कहीं भी, तो हमेशा खड़े होकर ही लगाते हैं। लेकिन यहाँ शायद व्यवस्था बिगड़ ना जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ बैठ के ही लगवा दिया जाए निशान। अगर हो सके तो 5 मिनट की बात है, अगर आप लोग खड़े होकर निशान चढ़ा सकते हो तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं है। एक बार प्रेम से कह दो खाटू नरेश की। अपना अपना निशान बनाएं और खड़े होकर एक बार बाबा को दिखाएं। बोले खाटू नरेश की। और व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, जहाँ खड़े हो हाँ वहीं बैठना, और जहाँ बैठे हो वहीं खड़े हो। अपने स्थान पर केवल 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाना। आइए बाबा को निशान चढ़ाते हैं सब मिल करके, शुरू करो। प्रेम से बोलो खाटू नरेश की। और यहाँ से हमारी निशान यात्रा शुरू होती है। अपना अपना निशान बाबा को दिखाओ उठा करके। अच्छा, अभी देखते हैं। ओके ओके, आइए हम सब मिलकर निशान चढ़ाते हैं। जैसे हम करेंगे वैसे आपको करना है। बोले खाटू नरेश की। हो श्याम की।
भी बैठ जाओ। अब सब भक्त बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। और आज बाबा बिहार के भक्तों ने आपका निशान चढ़ाया है, और बाबा अगर इन्होंने भाव से चढ़ाया है तो इनके भंडार भरना बाबा, इनको कभी निराश मत करना। एक बार प्रेम से कह दो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की। आइए हमारी हाजिरी यहीं तक, बस चलते चलते चार लाइन बिहार के भक्तों के लिए कि फूल तो आपने बहुत देखे होंगे पर गुलाब जैसा नहीं देखा होगा। फूल तो बहुत देखे होंगे पर गुलाब जैसा नहीं देखा होगा, अरे शहर तो बहुत देखे होंगे लेकिन मुजफ्फरपुर जैसा। आइए आइए राधे 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 जय श्री श्याम हरि बोल। आप हेलो